प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। 18 नवंबर को नहाए खाए के साथ ही छठ महापर्व शुरू हो जाएगा। छठ व्रती इस दिन कद्दू भात और चना का दाल खाएंगे। अगले दिन 19 नवंबर की शाम को खरना होगा। विशेष प्रसाद बनेगा, जिसे खाकर छठ व्रती अगले दो दिन के लिए निर्जला उपवास पर चली जाएंगी। 20 दिसंबर को दौरा और सूप सजाया जाएगा। इसमें केला, सेब, नारंगी, शकरकंद, नींबू, नारियल, पानी फल, ठेकुआ, चावल से बना लड्डू, गन्ना, ड्राई फ्रूट्स, कच्चा धागा सहित तमाम पूजन सामग्री रखी जाएगी। सूप और डलिया को पीले या लाल रंग के कपड़ों से ढका जाता है। शाम को तय वक्त पर व्रती सहित परिवार के लोग इन्हें घाट तक ले जाते हैं। घाट में पहुंचने के बाद व्रती सहित वो तमाम लोग पानी में उतरते हैं जिन्होंने कोई मन्नत मांगी। वहीं स्नान करने के बाद सभी लोग कमर तक पानी में खड़े होते हैं और छठी मैया की आराधना करते हैं। जैसे ही सूर्य डूबने को होता है, सब लोग बारी बारी से सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के दौरान महिलाएं लोकगीत भी गाती हैं। सूर्य के अस्त होते ही दौरा और सूप लेकर लोग घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह फिर से घाट पर जाया जाता है। यहाँ सूर्योदय के वक्त उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। दूसरे दिन के अर्घ्य के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाता है। इस साल 21 नवंबर की सुबह दूसरा अर्घ्य डाला जाएगा। 21 नवंबर को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 पर है। षष्ठी की शुरुआत 19 नवंबर को रात 9:58 से हो जाएगी। षष्ठी 20 नवंबर को रात 9:29 तक रहेगा। 21 नवंबर को सूर्योदय के वक्त अर्घ्य देने का शुभ योग 6:48 पर है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार सहित देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।